कुछ ज्यादा लेट नहीं हो गए? जाते जाते ले रहे होंगे उसकी। किसी दूसरे गैंग वाले को उड़ाने की सबसे सही जगह थी जेल, या तो अंदर जाते हुए या फिर बाहर निकलते हुए। वो और किसी भी दिन कहीं भी हो, कुछ खबर नहीं होती, लेकिन जेल से किस दिन निकल रहा है सबको मालूम होता है। हेलो ब्रदर, आ राजा। अरे यार, आगे बैठने की आदत पड़ गई है। ओ भाई, थोड़ी आदत खराब हो गई। वेलकम बैक ब्रदर। वेलकम बैक भाई। नाइस हेयर कट है। खुद काटे हैं। राजवीर भाई, एक साल बाद जेल से बाहर आए हो, हम सब के लिए क्या लाए? अपना पाछा बचा के ले आया हूँ। नरेंद्र पहलवान और उसके आदमी वेट कर रहे हैं मेन गेट पर, स्वागत कर रहे हैं। वो डॉक्टर, गाड़ी घुमा, गाड़ी घुमा। राजवीर भाई, पिछवाड़े के रास्ते से निकलने के लिए कितना दिया? बस पिछवाड़ा ही नहीं दिया। ये है हमारी गैंग। हम सब एक ही गांव के हैं, कंझावला, जो शहर से ज्यादा दूर नहीं है। सेक्सी, जो चिकना भी है और खाली वक्त में अंबानी को जुए में हराने और लड़कियों को गिराने के सिवाय कुछ सोचता भी नहीं। फर्क बस इतना है कि उसकी नजर थोड़ी तंदुरुस्त लड़कियों पर ही पड़ती है। ये है अंबानी, जो सिर्फ हवा में प्लान करता है, चॉकलेट खाता है और कुछ भी शुरू होने से पहले ही अपने दिमाग में करोड़ों कमा चुका होता है। मैं हूं डॉक्टर। जब मैं सबके साथ काम पर नहीं होता तो अपना मेडिकल स्टोर चलाता हूं। शादी जल्दी हो गई थी तो बाकी का समय बीवी और दो लड़कों के साथ बिताता हूं। और ये है राजवीर। उसके बारे में सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि वो जेल में कैसे पहुंचा। फौजी जो हमारा बॉस है, उसके लिए एक मकान खाली करवाने गए थे। आदमी ने घर पे 10% डाउन पेमेंट किया, पोजेशन लिया, लेकिन बाकी के पैसे कभी नहीं दिए। ओरिजिनल मकान मालिक शर्मा उसको मकान खाली करने के 3 करोड़ देने के लिए रेडी था, और हमें 50 लाख उसे मनाने के लिए। बस हम पहुंच गए उसे मनाने, लेकिन अगले ने चिल्लाना शुरू कर दिया और उसके बंदे बाहर आ गए। हमने ना चाहते हुए भी उनकी पिटाई शुरू कर दी, लेकिन हमारे साथ जो शर्मा का आदमी आया था लूथरा, उस बेचारे ने बीच में एम्पायर का रोल निभाना चाहा, लड़ाई रोकने की कोशिश की। बस हम भाग गए, वो पकड़ा गया। लूथरा को पुलिस ने 3-4 थप्पड़ मारे और उसने हम सबके नाम दे दिए। पुलिस ने फौजी के साथ डील कर ली कि हम में से एक ही पकड़ा जाएगा। राजवीर ने ऑफर किया और गया 1 साल जेल में चक्की पीसने। मत करना, यूज बाद में हम कर लेंगे। गुड नाइट ब्रदर।
हेलो जी, हेलो। ये है फौजी, हमारा बॉस। शुरुआत इनकी, जी हाँ, फौज में ही हुई थी, लेकिन फौज 5 साल में ही छोड़ दी। वहां से एक बैंक के सिक्योरिटी गार्ड बने और फिर उसी बैंक को लूटने के सपने देखने लगे। वो सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने अपने गैंग की शुरुआत की और शुरू किया चने की स्मगलिंग से। जी हाँ, चना। उस पर हर स्टेट में अलग टैक्स था, तो स्मगलिंग में फायदा, और जहां फायदा वहां अलग गैंग के झगड़े। दूसरे गैंग की शुरुआत की नरेंद्र पहलवान के मामा ने, और दोनों गैंग ने एक दूसरे के आदमियों और रिश्तेदारों को मारना शुरू कर दिया। इसीलिए फौजी ने शादी नहीं की, ब्रह्मचारी तो नहीं बोलूंगा पर शादी नहीं की, और राजवीर के आने के बाद एक बेटे की कमी महसूस होना बंद हो गई। शहर बिल्कुल गांव के करीब तक पहुंच गया। चेकोस्लोवाकिया में बनती है 22 कैलिबर। साली इतनी छोटी है कि कहीं भी छुपा लो। वैसे 2 लाख की पड़ती है। अपने को मिली शर्मा से। बेचारे को बहुत बुरा लगा जेल तू गया। ले, अब तू ही इसको संभाल। शुक्रिया। ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुआ जेल में? कुछ ज्यादा नहीं। तेरे जाने के बाद इन बंदरों को कैसे झेलाया मैंने। साला काम लेने से पहले 2 बार सोचना पड़ता था। वो नरेंद्र पहलवान साला आगे निकल गया कुतुड़ो। ओए घास पे मत खेल। हर 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 अगली बार इन्हीं में से किसी को भेज देंगे जेल में। तू ये सोच कि तेरी 1 साल की छुट्टी थी और तू आराम करके आया है। आज ही से रेडी हो जा काम के लिए। जी, मैं पहले ताई से मिलाऊं। जा, ताई से मिला। कैसा है बेटे, ठीक है? हाँ जी। ताई, राम राम। राम राम बेटे, राम राम। जीतते रहे, जीतते रहे। आ गया वापस जेल से? हाँ जी, कल रात को ही आया। शाबाश बेटे, शाबाश। शाबाशी किस बात की? पहले गांव के बच्चे बड़े गर्व से वापस फौज से आया करते थे, आजकल वही गर्व के साथ वापस जेल से आते हैं। ऐसा ना है ताई। अरे कहाँ भागी जा रही है? पंचायत की मीटिंग है। आप कब से पंचायत की मीटिंग में जान लग गए? अरे वो सरकार की नोटिस के बारे में है ना। कौन सा नोटिस? ओहो, तुझे तो मालूम ही नहीं है। तेरे जेल जाने के 1 महीने बाद ही सरकार ने हमारे गांव सुल्तानपुर कराला के 1,000 एकड़ जमीन पे नोटिस लगा दिए। किसी बिजनेस वाले को फैक्ट्री बनानी है, लेकिन कौड़ी के भाव छीन रहे हमसे। कुछ आदमी गए थे सरकार वालों के पास, पर कुछ ना हुआ बेटे। अब हम बुड्ढों को ही कुछ करना पड़ेगा। तुम बच्चों के पास समय कहाँ रहता है? चल राजू, चल चल भाग ले। मैं चलाऊं हल बापू? ना बेटा, तेरे बस की बात ना है। जी चलाने दो ना। अरे से हल्की आदत थोड़ी ना देनी है, पढ़ाई लिखाई करे।
अरे राजवीर भाई आ गए वापस? ना वापस ना है, अभी जेल में ही बैठा हूं। बैठो। ओ छोरे चला। धंधा कैसा है? अब धंधा बहुत बढ़िया है भाई। वो गवर्नमेंट ने जब से नोटिस बोर्ड लगाया है ना, आसपास की जमीनों के भाव बढ़ गए भाई। सुना है मैंने। अपनी जमीन का भाव बढ़ गए हैं भाई, भाव बढ़ गए। आपसे कितने सालों से कह रहा हूं वापस खरीद लो, अब 60 लाख हो गए। मैं तो कहता हूं अभी ले लो, बाद में फैक्ट्री का काम शुरू होते ही ना भाव और बढ़ जाएंगे। बाद में मिलता हूं। अच्छा। ओ छोरे चाय कैंसिल। हाँ जी। ओए सुन, खबर मिली है कि जयपुर का एक शेयर ब्रोकर कुशल जैन आया हुआ है नजमगढ़ और पहुंच रहा है मित्तल के पास। वो लोग उसे थोड़ा टाइम के लिए रोक कर रखेंगे, लेकिन ये खबर नरेंद्र पहलवान के पास भी है, समझे? ये बंदर आ रहे हैं तुझे लेने। फटाफट जा और नरेंद्र पहलवान के पहुंचने से पहले उठा लो उसे। जी। दो चॉकलेट देना, मोटा साला लेट कराएगा। राजू भाई अरे कुछ भी बहाना मार, अब तेरे को बहाना भी बताऊंगा क्या मैं? आज इसका हिसाब किताब भी कर ही देते हैं। सलाम पानी, बहुत पास में खड़ा है। भाग अमानी, जल्दी भाग, जल्दी 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 उनका तेरे छोटे भाई को भी ख्याल रखो। तभी तो उसके पाछे में मारा, तू क्या चाहता था? तेरे छाती में लगी या पाछे में? भाई साहब पाछे में लगी, बेसी से चल मरी जाओ, चला पिछली सीट मेरे लिए खाली हो जाती।
क्यों राजवीर, अपनी बंदूक भूल गया के? बाघ कित आ गया तू? चल जन्नू मां मेरी सासू ने हेलो बोल दियो। कितने बार बोला एकदम से गोली चलाया करो, इसका बात करने का दिल ना कर रहा हो तो? सॉरी भाई। बैठने को मिल रहा है। तो साला पीछे बुंदेलखंड के राजा की तरह फैल के बैठता था। इधर रुक, साइड में। तुम लोग जाओ, मैं आ जाऊंगा। और इसका, इन भाई साहब का जिनको उठा के लाए, क्या नाम है भाई तेरा? कुशल जैन। हाँ, इनका क्या करना है? फौजी के हवाले कर देना। भाई पर आप? मैं थोड़ी देर में आऊंगा। लगता है कल रात के तोहफे से काम नहीं चला। एक साल की भूख है भाई, इतनी जल्दी तो नहीं जाएगी। असले बे, ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है? मातम में आया क्या है? ये तुम इन लोगों की तस्वीरों क्यों लगाते हो? तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? बस ऐसा लगता है जैसे मुझे देख रहे हैं। इसे फाइन आर्ट फोटोग्राफी बोलते हैं, ये कला है। मैंने गुजरात में किसानों के फोटो लिए थे। क्यों, अपने माँ बाप के फोटो लगाकर कला नहीं होती क्या? अब देखो, जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा। और रही दूसरी बात, तो हम सब तो साथ हैं ही ना, तो फिर चिंता की कोई बात ही नहीं है। मालिक भाई। हाँ राजवीर, एक मिनट आजा। हाँ, क्या हलचल? क्या हलचल मचा रहा है? हाँ भाई, हलचल तो मचानी पड़ेगी राजवीर भाई, अगर सरकार से कोई जवाब चाहिए तो। हम लोगों ने धरने बैठने का फैसला कर लिया है। जब तक सरकार अपना नोटिस वापस नहीं लेती, तब तक हमने यहाँ सारी रजिस्ट्री पर रोक लगा दी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर कोई भी काम नहीं होगा। इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? राजवीर भाई, आप तो जेल में मगन थे, यहाँ पीछे से क्या कुछ हो गया मालूम है आपको? हम तो चीफ मिनिस्टर तक से मिलने गए थे, हाथ हिला दिया उन्होंने, पता ठीक ढंग से बात तक नहीं किया हमारे साथ। अच्छा एक बात बताओ, किसानों के पास सबसे जरूरी और सबसे प्यारी चीज क्या होती है? हमारी जमीन, वही छीन ली। अब तो धरने पर बैठना ही पड़ेगा। हाँ भी आओ राजवीर भाई, पता है क्या है, थोड़े नौजवान लोग बैठेंगे तो बुजुर्गों का थोड़ा हौसला हो जाएगा। ये नहीं बैठे हमारे साथ, गुंडागर्दी से फुर्सत मिले तो बैठे।
अरे दादी रहने मालिक रहने, मैं बाद में बात करता हूँ, चल। दादी तू ही कमाल करे भगवान कसम। मैम ही अग्रवाल साहब, मैं बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। गुजराल साहब मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी ठीक है, तुम जाओ। बोलिए अग्रवाल जी। भाजी नमस्कार, मैंने सोचा कहीं छोटे भाई को भूल तो नहीं गई। अग्रवाल जी आप मुझसे उम्र में 10 साल बड़े हैं, तो अपने आप को छोटा बोलकर आनंद लेना बंद कीजिए। यह आपके राज में क्या हो रहा है बहन जी? क्या हो रहा है? वो कंझावला गांव के किसान धरने पे बैठ गए। आपको याद है ना कि सिंगूर में भी ऐसी शुरुआत हुई थी, उसके बाद क्या हुआ वो तो सबको मालूम। हाँ हाँ ठीक है, धरने पर बैठे हैं तो कुछ पुलिस वगैरह को भिजवा कर उठाई ना उनको। नहीं नहीं, पुलिस को भिजवा कर इसको मीडिया इशू नहीं बनाना है। वो लोग आराम से बैठे हुए हैं, कुछ तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। मैं इसका कोई उपाय निकालती हूँ। ठीक है जी, मेरा पूरा विश्वास है आप पर। आपको तो मालूम है कि अगर काम टाइम पर शुरू नहीं हुआ तो बहुत नुकसान होगा, मेरा भी और आपका भी। हाँ हाँ फिक्र मत कीजिए, इस भूमि का पूजन दिवाली पर हो जाएगा और आपको इसकी कस्टडी भी मिल जाएगी प्लान के मुताबिक। अभी मैं फोन रख रही हूँ, थोड़ी बिजी हूँ। जी नमस्कार बहन जी। रावत। और ये ले बेटे काउंटर। राजवीर भाई एक हाथ तो हेलो। चल चल जल्दी कर, तू तो खेल। ये ले। जमीन बिक गई, जमीन बिक गई, मैं जा रहा हूँ गाड़ी खरीदने। कि थोड़ा सोच लेते पहले। चुप, जब देखो सोचती रहती है। अरे पहली बार जिंदगी में कुछ आनंद करने का मौका मिला, अभी गाड़ी लेता हूँ फिर 2 हफ्ते बाद मिलूंगा। क्यों जी? क्यों जी? क्योंकि मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ, बहुत साला खेतों में खुदाई कर ली है। हट। पैसे राजवीर के बापू ने सब खत्म कर दिए, ना खेत रहे और ना पैसे। इस शर्म में उसके बापू जी नहीं पाए और ना ही माँ। राजवीर को भी स्कूल छोड़ना पड़ा और वो लग गया फौजी के साथ। फोटो खींचने के लिए मैं साउथ ईस्ट एशिया गई थी। 2 साल में मैंने जितने भी पैसे कमाए सब खर्च हो गए। तो पहले मैं इंडोनेशिया गई। इंडो क्या? इंडोनेशिया कुछ 10,000 टापुओं का देश है। हमारे लोग भी वहाँ पर गए थे बहुत पहले। बाली में पूरी हिंदू संस्कृति है, मंदिर है बहुत बड़ी बड़ी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं वापस जाना चाहती हूँ, शायद हनीमून पर। हनीमून? मेरी शादी फिक्स हो चुकी है। कब? जब तुम जेल में थे। तुम कुछ बोलोगे नहीं? जब कुछ बोलने का फायदा ना हो तो। तो छुपी रहना चाहिए। राम जी, ये क्या नया खिलौना लेके आ गए? इसको एटीवी बोलते हैं, एटीवी। साला फैक्ट्री के चक्कर काट काट कर थक गया था। और कुशल जैन का? अरे जैन को मारो गोली, उसके 10 लाख आ गए थे, उसी से एटीवी ले ली, छोड़ भी दिया साले को। अब ये छोटे मोटे काम करने का टाइम खत्म हो गया। क्यों जी? वो ऐसे जी कि सीएम के असिस्टेंट रावत से पुरानी जानकारी है, उसका फोन आया था, एक बहुत बड़े काम का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। काम क्या? अरे कुछ नहीं, वो साले किसानों का धरना तोड़वाना है। हमारी सरकार डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इस्तेमाल करना चाहती है,
और ये किसान भी साले बेवकूफ है। अरे सरकार से कौन लड़ सका है भाई। देख राजपूत, इस काम के हमें 5 करोड़ मिलेंगे। अरे कुछ सुना तूने? 5 करोड़ राजपीर, 5 करोड़। कभी सोचा था इतनी बड़ी रकम हमारे हाथ लगेगी? हाँ देख, तू 15 साल से मेरे लिए काम कर रहा है, अब फल खाने का टाइम आ गया। देख, इस 5 करोड़ में से मैं रखूंगा 3, जिससे मेरे कैंपेन की फाइनेंसिंग हो जाएगी। इस साल मुझे इलेक्शन लड़ना ही पड़ेगा। ये एनवायरमेंट वाले कब फैक्ट्री बंद करवा दें कुछ पता नहीं। तू रख लेना 1 करोड़, अपने बापू वाला प्लॉट वापस खरीद लेना और बाकी जेब में, और बाकी जो बचा 1 करोड़ वो इन बंदरों में बांट दे। अभी तू जा, रावत तुझे 50 लाख का एडवांस देगा। हाँ तू निकल जा। 33 लाख ईच यार। ओए साला मैं तो काम पर गया। माय गॉड यार, अब तो मेरा रेस्टोरेंट खुला ही खुला। हरियाणवी खजाना, सही है। देखना, 1 ही साल में 40-50 लाख कमा दूंगा यार। और लोगों को क्या, रोटी प्याज और छाछ पिलाएगा? अरे तो क्या, अरे 4-5 चारपाई डरवा देंगे। अरे हम लोग गए नहीं थे जबर वाले ढाबे पे? अरे यार खाना जैसा मेरी दादी बनाती थी। साला भरा हुआ था टूरिस्टों से यार। अरे इन शहर वालों को ना सिर्फ गांव का एक्सपीरियंस बस। सही है अंबानी, सही है। वो ऐसा करियो, तू 2-3 भैंस बांध लियो और दीवारों पे थोड़ा गोबर लगा दियो, एक्सपीरियंस पूरा हो जाएगा। मैं तो अपना वेस्टलर पैड बनवाऊंगा यार। जा तो अपनी टुंटनों को लेके जाएगा तो मेरे भाई, थोड़ा बड़ा ही बनवा लियो। भाई मैं तो बैंक में डालूंगा, बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजूंगा। राजवीर भाई, आप भी ना पैसा मिलते ही अपने बापू का प्लॉट वापस ले लेना। कितने साल हो गए आपको पैसा इकट्ठा करते करते। पूरे 50 हैं। ये फोटो में सीएम का छोर है। तो बापू कितने है? पूरी दुनिया को मालूम है बापू कितने है। फालतू बात नहीं। लगता है साले नेताओं के पास बोरियों में पैसे पड़े रहते हैं। अपना भी टाइम आएगा भैया, अपना भी टाइम आएगा। एक दिन हम भी नेता बनेंगे। ये 15 लाख ले जाओ और तुम लोग जाओ कराला गांव, वहां उमबीर को ये दे देना, अपने गांव वालों को धरने के खिलाफ भड़काने के लिए। वो सारा पैसे के लिए कुछ भी करेगा। कहां मिलेगा वो? उसका नाम ले लेना, मिल जाएगा। पहले मंदिर की तरफ ले ले। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वैसे हम लोग मांग क्या रहे? ये आज अचानक मंदिर जाने का मूड कैसे बन गया? कभी कभी भगवान को भी अच्छे काम में साथ ले लेना चाहिए भाई। रो बेटे, ये उमबीर का रहता है। बेटा काफी जगह रहता है, फिलहाल आगे मिलेगा। ओए मोटे क्या कर लेगा? अम्बानी रहने दे, बच्चे हैं। ओए बच्चे किसको बोल रहे हैं? हट 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 चल हट चल चल बच्चों को सालों को सूटी मार मार के तमीज से गानी चाहिए। शबाश शबाश अगर हाँ शबाश भाई। हाँ भाई बोलो। फौजी ने भेजा है, कुछ बात करनी थी। अच्छा आ जाओ, कोई दूध वूध पियोगे? हाँ जी, हाँ जी। ओ फुल्ले। हाँ गुरुजी। 2 गिलास दूध ले आ भाई। जी गुरुजी। ऐसा है, जब तक मैं खाना खत्म कर लेता हूँ आप 2-1 हाथ जमा लो। कुश्ती तो की होगी किसी ने? जी आज भी मैंने बड़ी कुश्ती की है बचपन में। अच्छा आ जा भाई राजवीर, आ जा। ओ सिले चल भाई रेडी हो जा। वो जी
बड़े दिन से नहीं किया। तो क्या हो गया, आप टू डेट हो जाएगा। चढ़ जूते कमीज निकाल ले और लंगोट पहन ले, और शर्म आती हो तो जांगिया पहन लियो। फुल्ले जी, एक लंगोट और जांगिया लिया जो भाई। जी गुरुजी। लग गई। उठो यार, कम ऑन। हाँ, बुलडाउन गया अभी रोहिंग। दूध का मिलता है जेल में। रोटी और है भाई। रस्सी ले आए। हाँ भाई, अब बोलो। अरे कंजा वाला के शेरो, थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा किया करो, सेहत के लिए अच्छा रहता है। ये 5 लाख कंझालों के किसानों के धरने को सपोर्ट करने के लिए। वैसा वैसा कि मैं कोटो आ जाता हूँ, आप मेरी ले लो। भाई कम से कम मेरे बच्चों के बारे में सोच लिया होता। मैं कब कह रहा हूँ कि हम काम वापस कर रहे हैं। राजवीर भाई, दोनों साइड के साथ गेम खेलना बहुत खतरनाक है। भाई साहब, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। ये हम किसी शेयर ब्रोकर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अपने गांव वालों के बारे में बात कर रहे हैं। हम चारों इसी गांव में बड़े हुए हैं। अब हम सरकार की मदद करें गांव वालों को लूटने में? हम बदमाश जरूर हैं लेकिन कमीने नहीं। हमने प्लॉट खाली कराए, घर खाली करवाए, लेकिन सरकार, सरकार को कैसे निकालेंगे? कुछ रास्ता निकालते हैं कि हमें पैसे भी मिले और जमीन का मसला भी हल हो जाए। रास्ता ये निकलेगा कि पैसे भी हमारे हाथ से जाएंगे और फौज भी हमारा मसाला बना देगा। अच्छा एक बात बताओ राजवीर भाई, फौजी ने आपको 15 लाख दिए थे तो आपने ओमवीर को सिर्फ 5 लाख क्यों दिए? बाद में काम आएंगे। उस तरफ मैं स्विमिंग पूल बनाने की सोच रहा हूँ। You like to? सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। आपके बंगाल और उड़ीसा वाले प्रोजेक्ट्स के लिए वहाँ की सरकार ने आपके लिए काफी लैंड एक्वायर की थी, और अब दिवाली के दिन यहाँ की सरकार भी आपके लिए काफी बड़ा तोहफा दे रही है। ये तोहफा सरकार मुझे नहीं, यहाँ के किसानों को दे रही है, हमारे पूरे मुल्क के लोगों को दे रही है। दिवाली पर लोग एक दूसरे को तोहफे देते हैं, पर हमारी सरकार हमसे जबरदस्ती तोहफा ले रही है हमारी जमीन। हमारे देश में गेहूं की कमी है लेकिन फिर भी सरकार किसानों से उपजाऊ जमीन लेकर कॉर्पोरेट कंपनीज को दे रही है। क्या आपको लगता है ये सही है? जब सरकार को गेहूं चाहिए, चावल चाहिए या कोई भी अनाज चाहिए तो ये जमीन किसानों की है, पर अगर फैक्ट्री बनानी हो तो यही जमीन पब्लिक पर्पज के लिए हो जाती है। देखिए मेरे जैसे लोग इस देश को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। फैक्ट्रीज आसमान में नहीं, जमीन पर बनती है। अरे सरकार को अगर जमीन ही चाहिए
तो हजारों एकड़ जमीन जो बंजर पड़ी है, अरे हजारों टेक्सटाइल मिलें जो खाली पड़ी है, वहां पर फैक्ट्री क्यों नहीं बनाती? जो काम इस देश के हित के लिए है, उसके लिए किसी न किसी को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। जो किसान डिस्प्लेस हो रहे हैं उनके लिए क्या करेंगे आप? वैसे तो सरकार उनकी जमीन के पैसे दे रही है, बाकी उनको हमारी फैक्ट्री में काम करने को मिलेगा। ऑफ कोर्स हम तो उनकी मदद करना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि हम अपनी जमीन इनको कोड़ियों के भाव बेच दें और इनकी फैक्ट्रियों में मजदूर बन जाएं। अरे अगर हमारी मदद करनी है तो यहाँ स्कूल कॉलेज खुलवाओ, हॉस्पिटल बनवाओ, मार्केट रेट का 1/8 हिस्सा हमको दे रही है सरकार। 1/8। अब जमीन का रेट तो सरकार ही फिक्स करती है, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं। अरे क्या हम भीख मांग रहे हैं किसी से? हक मांग रहे हैं, अपना हक। और ये सरकार क्या अपना काम छोड़ के, पब्लिक की भलाई छोड़ के इन बिजनेस वालों की दलाल बन गई है, लैंड माफिया बन गई है? आप लोग किसानों से डायरेक्ट बात क्यों नहीं करते? बातों का तो कोई अंत नहीं है। जब हमारी फसल बिकती है तो रेट कौन तय करता है? सरकार। जब हमारी जमीन बिकती है तो रेट कौन तय करता है? सरकार। और यही जमीन, यही फसल जब आगे बिकती है तो मार्केट रेट पर। अरे अगर सरकार अपनी खुद की जमीन बेचती है तो वो मार्केट रेट पर भी नहीं बेचती, ऑक्शन करती है, नीलामी। You've not answered the question, Mr. Agarwal. भैया, I must say, काफी अच्छी लग रही है आप स्ट्रेस में। ये बात है सिर्फ मर्जी की, हमारी मर्जी की, आपकी मर्जी की, अरे जिसकी जमीन उसकी मर्जी की। हमारे देश में यही प्रॉब्लम है, सब अपनी मर्जी से चलते हैं। इंकलाब, किसान एकता, लड़ेंगे जमीन हमारी और आपकी। इंकलाब जिंदाबाद, किसान एकता। हमारे मलिक भाई ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, हमारे फायदे की बातें की, लेकिन आदमी को सिर्फ दिल से नहीं दिमाग से भी सोचना चाहिए। अरे सरकार से कौन लड़ सके है भाई? कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट कर आपके जूते घिस जाएंगे। 10 लाख छोटी रकम नहीं होती है, बहुत बड़ी रकम होती है। मैं तो कहता हूं ये पैसे ले लो और सब अपने लिए शानदार घर बनवा लो। फिर उस घर की ईंटों को खाएंगे क्या? जिस भी किसान के खेत एक बार हुए और पैसे घर बनाने या ऐश करने में लगाए, उसका सत्यानाश हो गया। हमको सरकार और कोई जीने का साधन थोड़ी ना दे रही है। अरे इसने कभी आज तक मेहनत की कमाई खाई है क्या? ये हमको क्या समझाएगा, ये तो गुंडा है गुंडा। अरे हाँ ये ठीक कह रहा है, हटाओ इस साले को बाहर। Thank you, Mr. Agarwal. Haram zada sala, kutta, kamiya sala, haram zada. Us haram zade, Ombir ki himmat kaise hui ki mere se paise lekar meri peet pe sale ne chura kar diya? Main usse paise wapas lekar. Nahi, abhi nahi. Us haram zade se paise main nikalunga. Is sala yaad rakhega. Sun raha hai, tu ja. और किसी की टांग तोड़ करा, खरोश नहीं लगनी चाहिए, टूटनी चाहिए, तभी इंसानों को लगेगा कि फौजी जो बात करता है सीरियस करता है। और सुन, तेरे फोन में वीडियो है तो टांग तोड़ने का वीडियो निकाल कर लाना। साले की टांग तोड़ेंगे। जेल में पिटाई उसकी होती थी जो सबसे कमजोर होता था।
अरे आज घर कैसे आना हुआ भाई? दिवाली की मिठाई लाए हो क्या भाई? मिठाई लेकर तो नहीं आए हैं, लेकिन खाने आए हैं। अब मिठाई तो नहीं है, गुड़ है, गुड़ खिला देता हूँ। भाई एक काम के लिए तेरी थोड़ी सी मदद सी चाहिए। हाँ हाँ बोलो बोलो। तेरी टांग तोड़नी है। अरे क्या मजाक कर रहा है? मजाक नहीं है। मानी पड़ा चला चला खोल। वजह तुझे नहीं बता सकता, ये सोच ले कि गांव के फायदे। अरे अरे भाई सुनो तो, गांव के फायदे के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन राजीव भाई ब्रदर वो जमीन में तेरे सस्ते में दिलवा दूंगा। सॉरी प्रदीप भाई, हम लोग करना नहीं चाहते, लेकिन इसके लिए हम तुझे कॉम्पनसेट कर देंगे। कॉम्पनसेट करोगे? अरे टांग तोड़ने के लिए क्या कॉम्पनसेट करोगे? चिंता मत कर, दवाई में भिजवा दूंगा। तुझे हम 30,000 दे देंगे। 30,000? अरे 30,000 का मचा डालूंगा, कम से कम 2,00,000 तो दो। साले ना भुदक मत। 40। अच्छा 1,00,000, 1,00,000 तो दे दो। 50। 75, 75, 75, 75, 60। अब सालों को समझ में आया। ये राजवीर भाई कर क्या रहे हैं यार? मुझे लगता है ठीक से कुछ सोचा नहीं उन्होंने, वरना इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते हमारे पैसों के साथ। हमारे पैसों के साथ? अंबानी हमारे से बड़ा रिस्क वो ले रहा है। हमारे हिस्से में कितना है? 33-33 लाख। उसके हिस्से में 1 करोड़ है। 1 करोड़। अगर वो चाहे ना तो इस पैसे से अपने बापू का प्लॉट खरीद सकता है, लेकिन अगर ये पैसे वापस नहीं आए ना तो फिर शायद कभी प्लॉट नहीं खरीद पाएगा। और ये मत भूलो कि वो हमारे लिए जेल गया था। फौजी हम में से किसी एक को भेज रहा था, वो गया हम सबके लिए। कितनी बार थैंक यू बोल तो चुके हैं। सेक्सी वो अपने लिए नहीं कर रहा है, और हमें भी जिंदगी में कम से कम एक बार सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। कुछ चीजें अपने से बड़ी होती हैं। मैं राजवीर भाई के साथ हूँ पूरे तरीके से। क्या बात हो गई भाई? अंबानी की नानी मर गई। मरी तो नहीं है पर मर जरूर जाएगी। अब ये सोचो आगे क्या करना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ रास्ता निकालते हैं। रास्ता निकालने के लिए आइडिया चाहिए, और आइडिया के लिए मदद। किसकी? दारू की। चीयर्स। ये है फौजी का अड्डा, जो फौजी का कम और हमारा ज्यादा था। अरे वैसे भी अच्छे लोग भी तो होंगे ना जो किसानों की मदद कर दें। धरना वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा ना कि गुंडों की मदद कर रहे हैं। जब सबसे बड़े माफिया से लड़ना हो तो गुंडों की जरूरत पड़ती है। अरे हम इस धरने को नॉन वायलेंट रखना चाहते हैं भाई। बनती है दुनिया तो मामू बाना, ऐश का छुट्टा तो कैश करा, लफड़ा जो होगा तो करेंगे क्या, बर्फ में टेंशन मिला के पी जा। अपोजिशन पार्टी वालों को बुलाते हैं, वो इसका इश्यू तो बनाएंगे ही अपने फायदे के लिए। हो इसको हम किसान मूवमेंट रखना चाहते हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं। ना पॉलिटिक्स ना तोड़फोड़, ये तो साले शराबत में मर जाएंगे। साले चीफ मिनिस्टर को किडनैप कर लेते हैं। क्या
किडनैप करना है? ब्रदर आज तक दारू पी के हमारे किसी भी आइडिया ने काम किया है जो ये करेगा? और फिर ये तो चीफ मिनिस्टर है यार, चीफ मिनिस्टर। माना कि हम लोग किडनैप एक्सपर्ट हैं, लेकिन हमें अपनी टांगों को चादर के बाहर नहीं निकालना चाहिए। चीफ मिनिस्टर खुद नहीं, क्या उसका लड़का। उस दिन चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में गए थे, उसका फोटो था, शक्ल मुझे अच्छी तरह से याद है। भाई साहब आपके ना बिना दारू वाली आइडिया ठीक थे। आप तो रातों रात किसान बन गए ब्रदर। हम सब के परिवार वाले किसान रहे हैं। राजवीर भाई की बात में दम है। ये लो, एक और खुदकुशी करने वाला। ऐसा करते हैं, एक दिन उसका पीछा करके देख लेते हैं कि उसके साथ सिक्योरिटी कितनी रहती है। चाहे सिक्योरिटी हो या ना हो, सारे को उठा ही लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बार इस रास्ते पर उतर गए फिर मुड़कर वापस नहीं देख पाएंगे। हितू, हितू, आज तुम्हारा वो, सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूं? कितनी बार कहा है तुमसे कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूं ना तो अपने कान से धूमधड़क का हटा दिया करो। हितू, क्या सोचा है तुमने? आज तुम अपना नॉमिनेशन फाइल करोगे जाके या मैं किसी को भेजूं? मॉम, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं मुझे आपका पॉलिटिकल वारिस नहीं बनना। हितू, तुम मुझसे चाहते क्या हो? पिता, स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक बहुत अच्छा स्टार्ट है। मैं कुछ नहीं चाहता। जिस चीज की मुझे शुरुआत करनी थी वो मैं कर चुका हूं। क्या शुरू कर चुके हो तुम? हाँ बताओ मुझे, स्पोर्ट्स, भागना दौड़ना? कितनी बार कहा है तुमसे कि प्रैक्टिकली सोचा करो। ये स्पोर्ट्स में कितना पैसा डालते हैं हम वो मुझे मालूम है, मेरी पार्टी वाले ही तो सैंक्शन करते हैं। इस भागने दौड़ने में कुछ नहीं रखा। फिर भी मैं ये नहीं कह रही कि तुम उसे बंद करो, बस उसे हॉबी की तरह ही रखो। मॉम, मैं वही पुराना झगड़ा फिर से नहीं दोहराना चाहता। पैदल कहाँ जा रहा है? पुलिस तो वही है। इसकी सिक्योरिटी अलग होगी। गाड़ी आ गई। तेरी बहन, ये तो हरिश्चंद्र की औलाद निकला यार। हैं? वो नेता का बच्चों के पास में, तो इसको तो किडनैप नहीं, इसको तो पूजा करनी चाहिए यार। डॉक्टर जरा पीछा कर, देखते हैं कहाँ जाते हैं। आसान लगता है उतना है नहीं। इसको खुद नहीं उठा सकते, शोर मचा सकता है ऐसी जगह पे। फिर कुछ शहद होना चाहिए जैसे बलराज को उठाते। नहीं लगती, तभी तो पूछ रहा हूँ। पहली बार तो मैं तुमसे कुछ मदद मांग रहा हूँ। ये मदद नहीं है, ये जुर्म है। मैंने तुम्हें समझाया है हमारे किसानों के साथ क्या हो रहा है। बुरा हो रहा है तो तुम लोगों को किडनैप करोगे, गोली मारोगे, बॉम्ब लगाओगे। तालिबान की मदद क्यों नहीं मांग लेते? मजाक मत करो यार, हमने कई चीजें सोची हैं और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो थोड़ा और सोच लो, और तुम किसी और से पूछ लो प्लीज, मैं ये नहीं कर सकती। तुम्हें पता है मेरी शादी एक महीने में हो रही है, कुछ गड़बड़ हो गया तो मेरी तो। अरे मैं तुम्हारे होने वाले ससुर को किडनैप करने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ हो जाएगा। अभी ये तुम्हें जुर्म लग रहा होगा, कुछ दिन बाद समझ जाओगे कि ये नेक काम है। वैसे तो तुम घर पर किसानों के फोटोग्राफ्स लगाते हो, लेकिन जब उन्हें मदद करने का टाइम आया तो तुम पीछे हट गई।
वो अलग बात है राजवीर, ये नेक काम तुम किसी और लड़की से क्यों नहीं करवा लेते? क्योंकि इस काम के लिए हमें एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की जरूरत है, और तुमसे ज्यादा खूबसूरत मैं किसी को जानता नहीं हूं। ये शराब ओके, मुझे तुम्हारी बातों में पहले भी कभी नहीं आना चाहिए था। लुक आई, मैं तुम्हें इस काम के 5 लाख दूंगा, शादी के काम आएंगे। अभी विश्वकर्मा की पूजा की है, आज के दिन औजार नहीं उठाते। अमानी ला। हाय, एक्सक्यूज मी, रोहिणी के लिए कौन सा रास्ता है? रोहिणी? या आप रोहिणी से तो काफ़ी दूर हैं। देखिए, आप आगे से लेफ्ट लीजिए। ओके। फिर से आपको पूछना पड़ेगा किसी से उसके पास। oh, कब से इस यूनिवर्सिटी कैंपस के चक्कर लगा रही हूँ। आई डोंट नो, आई एम सॉरी, बट वुड यू प्लीज अकंपनी मी टिल देयर? वेल, I'm sorry. It's okay. I'll just make it on my own. Thanks. Well, actually, I'll come with you. I'll get my bus from there. Really? Fine. Thank you. Aage se. सॉरी चल, नेहा कहाँ मिलेगी? रोहिणी के लास्ट सेक्टर पर मिलेगी। मैं मुंबई से 2 हफ्ते पहले ही आई हूँ, इसलिए ना तो रास्ते ठीक से जानती हूँ और ना ही लोगों को। चल भाई, कर ले शो साथ। 7 8 9 ये ले अब बता दिल्ली का किंग कौन? ओए डॉक्टर चिल्ला रहे हो? ओए ये ले तेरे बच्चों के लिए 1000 रुपए। अबे ओ राजा की औलाद, ठंड रख बेटा, ठंड रख, और जरा अपने पत्ते देख। अबे देख लिए ब्रदर, देख लिए, 2 दिन बाद है, सबसे बड़ी सीक्वेंस होती है। मुआ मुआ मेरी जान, पहले बोलना पड़ता है क्या कि हम 2-3-5 खेल रहे हैं? सेक्सी साले, रो मत, 2 दिन बाद हमेशा सबसे बड़ी सीक्वेंस होती है। हमेशा नहीं होता, पहले बोलना पड़ता है, और तूने बोला नहीं, इसलिए मैं जीता और पैसे सारे मेरे। ओए साले पैकेट के पैसे को हाथ मत लगा दियो। क्यों, तेरे बाप क्या है क्या? हां क्या कर लेगा तू? दोबारा शुरू मैं कह रहा हूं, छोड़ पैसे। अंबानी सेक्सी ये सब अभी नहीं है क्या? मैं कह रहा हूं साले, ऐसे कैसे साले पैसे छोड़ छोड़ ना। तुम बहुत स्वीट हो, मैं आपको थोड़ा आगे तक छोड़ देता हूं, इजी हो जाएगा आपके लिए। साले ओए पैसे यार, ओए 10 साल के बच्चे हो क्या? क्या कर रहे हो? ओए अंबानी सेक्सी बंद करो यार। तुम कॉलेज में कौन सा कोर्स कर रहे हो? हिस्ट्री ऑनर्स। ओह वाओ, मैंने इंग्लिश ऑनर्स की थी। अंबानी सेक्सी ओए पत्तों के साइड पे ले, साइड पे ले। तुम रेंट पे रह रहे हो या मॉम डैड के साथ? मॉम के साथ। हाउ स्वीट,
मैं अकेली रहती हूँ. I have a really nice pad on rent. Hey, you should come for coffee today. अच्छे दिखते हो. मुझे पता है मैं तुम्हें ट्रस्ट कर सकती हूँ. रोक डॉक्टर इधर रोक. यार, बाहर नहीं आता तो कहता क्यों है? मुझे किला सिखा दे. निकलो बाहर. छोड़ो. डॉक्टर डॉक्टर छोड़ मेरे हाथ से. हाथ से मोटे का खून हो जाएगा. छोड़ मुझे. छोड़ दे डॉक्टर. हम तो बंदूक भी लाए. ये लोग विश्वकर्मा को मानते हैं क्या? मानते हैं. नरेंद्र भाई, गाड़ी आपकी है. ओए हाँ. ओए पत्थर नीचे कर अपनी गाड़ी पर लग जाएगा. अरे बावड़े पागल हो गया क्या? वैसे हाल चाल कैसे नरेंद्र भाई? बैठ लेते हो ठीक ठाक? अरे हराम जादे को अभी ये बात उठानी थी. अरे राजवीर, तू मेरा पाछे के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा है. अरे जेल में जाकर तेवर बदल गए क्या तेरे? हाँ बदल गए. आजकल नजर तेर पे ही है. वैसे हमें जल्दी है और तेर को भी होगी. क्या ख्याल है? ना भाई, हमें कोई जल्दी ना है. हम अपना खाना साथ लेकर आए हैं. और निकाल भाई दाल बाटी चूरमा. ये तो मोटा साला लेट करवाएगा. आइडिया क्या? पंचर लड़ा लेते हैं. क्या? हाँ पंचर लड़ा लेते हैं. जीतने वाले को क्या मिलेगा? क्या चाहिए? मेरी गाड़ी. अबे क्या कर रहे हैं अंबानी, मरवाएगा क्या? यू डोंट वरी ब्रदर, मैं पंचर का चैंपियन हूँ. तुम्हारी तरफ से कौन आएगा? आजा पहलवान. उत्तरी पहली तो साले सर्कस से जानवर उठा के ले आया. साले अंबानी बहुत बोलता तू, आज तेरी बोलती बंद कर दूंगा. अंबानी डर मत, आज तक किसी नहीं आ रहा. इसको तू आराम से हरा देगा यार. ओ यार साले मेरा हाथ तोड़ देगा. अबे साले तेरा नाम अंबानी कैसे रखा? तेरा नाम तो फट्टू होना चाहिए था. फट्टू है तू. साले नंबर की तरह फटती है. नाइसकिन कौन से आए? साले शमश आयो साहब. उस पर नहीं इस पर. भैया किसने भी आजा. अंबानी किसी से डरता नहीं. अंबानी किसी से भी लड़ सकता है, कहीं भी लड़ सकता है. आजा आजा बेटा. पंजा ताकत का खेल नहीं है, टेक्निक का खेल है. टेक्निक का. अरे पंजा इसकी थुथड़ी चल मेरा पहलवान. तूने सिलेंसर से स्टेलन की देखी है? वो तो टॉप. मन ने देखी ना देखी पहले आज मोटी बुद्धि इसने का दिखा रही. दिखा दिखा ज्यादा लग रहा. ज्यादा लग रहा साले. हट रहा. ओए अंबानी दिल्ली का किंग कौन? डॉक्टर गाड़ी जल्दी चला, लेट है हम. तो तुम कितने साल से पृथ्वीराज रोड पे रह रहे हो? 5 years. Right after my parents got divorced. Sorry to hear that. That's okay. यार तू फिर ये मेट्रो वाले रास्ते ले आया, सारा खुदा हुआ. I just gonna make a phone call, yeah? Busy. In a bit, I suppose. Oh, hey, that's a bunch of my friends. I'll introduce you. Come on. Okay. Come. Aaja, brother. Aaja, hamare saath.
डोंट वरी ब्रदर, कुछ नहीं होगा, आजा राजा। हम सब फिट हो जाएंगे क्या? अपनी माँ को किस नाम से बुलाते हैं? मॉम, वो वसंत कुंज में जो लड़की का रेप और मर्डर हुआ है उसके बारे में प्रेस रिलीज तैयार कर दीजिए। हेतु बेटा, घर पहुंच गए? अच्छा, ऐसा करो कि तुम खाना खा लो, मैं 10:30 बजे तक पहुंच जाऊंगी। बेटा फिकर मत कीजिए, बेटा भी यहीं पर है। हेलो, बोल मॉम को। हाय मॉम, मॉम मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। हेतु, हेतु बेटा, डोंट वरी, अभी तक वो ठीक है, बस ध्यान से सुनिएगा। कंझावला, सुल्तानपुर और कराला गांव की जमीन जो आप छीन रही है वो कल तक टी नोटिफाई कर दो, हितु को हम छोड़ देंगे। कल मैं 5:30 बजे दोबारा फोन करूंगा। मुझे नहीं मालूम था कि किसान किडनैपिंग और ब्लैकमेलिंग पर उतर आए हैं। किसानों का इससे कुछ लेना देना नहीं है, उनको नहीं मालूम कि आप जैसे लोग परवाह नहीं करते कि वो धरने पर हैं या नहीं। आप सिर्फ अपने फायदे या घाटे का सोच सकते हैं। वैसे मेरी लड़ाई आपसे नहीं, सिर्फ आपके निर्णय से है। हम सब अपनी करीबी चीजें नहीं खोना चाहते, चाहे वो हमारी जमीन हो या हमारे बच्चे। तुम्हें मालूम नहीं तुम क्या कर रहे हो। हेतु कभी छोड़ दो, मैं सब भूल जाऊंगी, नहीं तो तुम्हें ढूंढने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। Are you listening? कल शाम को 5:30 बजे फोन करूंगा। तुमने वो धरने वाला मामला सेटल नहीं किया अभी तक? नहीं मैम, वो तो सेटल कर दिया मैंने। मैं मुझे नहीं लगता ये धरने वाले लोग हैं, क्योंकि वो नॉन वायलेंट किस्म के लोग हैं। मैं पुलिस कमिश्नर साहब को फोन करता हूँ। नहीं, इनको नर्वस नहीं करना है। अभी हम हेतु के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे हेतु के बारे में। मैम, ये लोग इसी 3 गांव के लोग हैं ये। हाँ, मैं संभाल लूंगा। काम सही, तरीका गलत। क्या काम आप ठीक कर रहे हैं, बस आपका तरीका गलत है। हाँ, तुमने सही कहा, हमारा तरीका गलत ही नहीं, बहुत गलत। काश हम ऐसे देश में रह रहे होते जहां सही तरीके से बात बनती हो। सही तरीका हमारे किसान निभा रहे हैं हर रोज। आपकी माताश्री ने उनको क्या जवाब दिया, आप अपनी माताश्री से ही पूछना। सही या गलत, कम से कम मैं कुछ कर रहा हूं। जब तुम अपने को छोड़कर किसी और की मदद करोगे तब मुझे ये बातें सुनाना। हाँ जी। हाँ राजबीर, जल्दी से मेरे ऑफिस में आओ। हाँ जी, अभी आता हूँ। चीफ मिनिस्टर का लड़का किडनैप हो गया, तुमको मालूम है इसके बारे में कुछ? जी नहीं। अभी रावत का फोन आया था, उसको लगता है इन्हीं 3 गांव में से किसी का हाथ है। चीफ मिनिस्टर बहुत गुस्से में, लड़का जो किडनैप हो गया है काफी सख्ती से पेश आने को बोला है। ओए बहादुर, यहां पे टेबल पर एक फोटो रखा था, कहां गया?
ये है उस लड़के का फोटो, नाम है हितू। अपने गांव में होता तो हमको जरूर मालूम होता। तू जा कराला, जरूर उस हरामजादे ओमबीर की करतूत होगी या फिर उसको मालूम होगा। अगर ना बताए तो अब की बार उसकी टांग तोड़ कर आना। जी, कल सुबह जाता हूं। कल सुबह नहीं, अभी इसी वक्त जाओ, ढूंढ कर निकालो उसको। जी। और सुनो, अगर टांग तोड़नी पड़े तो वीडियो निकालना मत भूलना। फौजी 3 करोड़ और एमएलए बनने के पीछे पागल हो रहा था। ओमबीर की टांग तोड़ने से ज्यादा बोलना आसान था। अगर उसकी टांग तोड़ते तो वो अपने पहलवान और पूरा कराला गांव हमारे पीछे लगा देता। राजवीर ने सोचा वही करते हैं जो पहले कर चुके हैं। ओमबीर को पीटने की एक्टिंग और वीडियो बनाने के 2 लाख दिए और गांव से गायब होकर 1 हफ्ते की छुट्टी पर जाने के 1 लाख ताकि वो दिखाई ना पड़े। फौजी खुश, ओमबीर खुश और राजवीर भी खुश। लेकिन ये खुशी ना फौजी के साथ बहुत देर तक रहने वाली थी और ना ही राजवीर के साथ। चाय पिला दे इसको। ओए अंबानी, 2 कप चाय बना दे यार। डॉक्टर, 3 कप चाय बना दे यार। खुद बना ले। क्या बात होगी भाई, हमें भी बता दे। कुछ नहीं, वो बस काफी फनी तरीके से डांस कर रही है। फनी हैं? साला माइकल जैक्सन की औलाद है क्या? नहीं, वो बस बस क्या, बड़ी हंसी आ रही थी। लाफ्टर चैंपियन, साला इतनी इतनी खूबसूरत लड़की को देख के हंसी आ रही है तुझे? साले तू करके दिखा दे। चलो अबे उठना। अबे रहने दे सेक्सी, सेक्सी रहने दे यार। ओ एक सेकंड डॉक्टर, एक सेकंड, चल नाच के दिखा। चल चल डांस कर, नाच के दिखा। क्या ये हा? कोई बात नहीं, हाथ खोल देता हूँ तेरे, बाद में हाथ का बहाना ना मारियो तू, नहीं? पर अब तू नाच के दिखा कैसे नाचना चाहिए था उसे, हैं? चल, नाच, नाच, नाच के दिखा, चल। सेक्सी, क्यों बच्चे की जान ले रहा? अबे तेरी ले लूँ क्या? खैर जाना डॉक्टर, चल, नाच, अबे नाच ना। We'll be right back.
ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪਛ ਪਛ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਜ ਫਸਿਆ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਕੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਮ ਦਬਾ ਕੇ ਨਸਿਆ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਹੋ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ राजवीर भाई जब से आया भगा ही रहा है मेरा रेट भी कम हो गया तू सड़ सड़ के ना अपना भेजा का देख सुना के भुले शाह मैं अपनी धुन विच चलिया ता कुत्ता बन के हो मैं तुम दबा के नसिया लेकिन सरकार को कौड़ियों के भाव में ये जमीन नहीं लेने देंगे हमारे खून और पसीने से सींची ये जमीन हम इसे किसी भी कीमत में सरकार को नहीं देंगे करेंगे मास्क पहने हुए थे हमेशा कभी किसी की शक्ल नहीं देखी कौन सी गाड़ी चला रहे थे कोई नंबर प्लेट शौक में था कुछ नहीं देखा फिर आप फ्री कैसे हुए उन्होंने छोड़ दिया ताई, ए ताई, हाँ बेटे, कुछ खाने को है? भूख लगी है। हाँ बैठ जा बेटे, गरम गरम फुलके बना रही हूँ। वैसे तुम बच्चे सुबह किसके पीछे भाग रहे थे? दोस्त था। राजबीर, अपनी ताई को पागल समझता है? ना ताई। तो बता कौन था वो धरने के सिलसिले में था क्या अगर धरना के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकता तो उसे बुरा नाम देने का कोई हक नहीं है तुझे कुछ अच्छा ही करने की कोशिश कर रहा था चुप हो जा तेरे अच्छे काम मुझे मालूम है चोर डाकू कहीं का अगर हम चाहते तो हम सड़क के बीच बैठ जाते गाड़ियों पर पत्थर फेंक देते
लेकिन जितने भी लोग वहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी एक तरीके से जी है जो तरीका तुझे कभी समझ में नहीं आएगा। हम अपने आदर्श, अपने उसूल न सरकार के लिए बदलेंगे, न तुम जैसे लोगों के लिए। तेरा क्या होगा भगवान जाने, लेकिन इस गुंडागर्दी ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। माफ कर हमें, हमें तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तू जेल में ही ठीक था। कॉलेज से छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? एक दिन अगर कॉलेज नहीं जाओगे तो पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। नहीं, मैं घर पर बैठकर क्या करूंगा, वैसे भी इंपॉर्टेंट दिन है कॉलेज में। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे साथ सिक्योरिटी गार्ड भेज देती हूं। नो! सॉरी, नहीं, मैं चले जाऊंगा। Hi guys. Hi guys. Today is election day, remember? Please come in. So don't forget to vote, alright? Yeah, you have our support. Thanks. Thanks, man. और आज की अन्य खबरों में, कल दिवाली के दिन माननीय मुख्यमंत्री जया गुलाटी कंझावला गांव पहुंच रही हैं अग्रवाल इंडस्ट्रीज की नई फैक्ट्री के भूमि पूजन के लिए। इस दिन कराला, कंझावला और सुल्तानपुर गांव से एक्वायर की गई जमीनें अग्रवाल इंडस्ट्रीज को सौंप दी जाएंगी। अंबानी, वित्त मंत्री ने बताया, सेक्सी और डॉक्टर को बुला। वो कल आ रही है, ये हमारे लिए आखिरी मौका होगा। एक बार जमीन अग्रवाल के हवाले हो गई तो सोचो हमेशा के लिए चली गई। फिर चाहे हम यहाँ पे 100 साल तक बैठे रहें, कोई परवाह नहीं करेगा। बस चेक बना के रख देंगे, लेना है तो लो, नहीं तो भाड़ में जाओ। तो तू करना क्या चाहता है? मैं नहीं, हम। चीफ मिनिस्टर का आना मतलब आपको मालूम है उसके साथ क्या आता है? सिक्योरिटी। वो भी, लेकिन सिक्योरिटी के अलावा मीडिया। मीडिया अभी तक हमारे पास इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने कुछ तोड़फोड़ नहीं की, ना कोई रास्ता रोका, बस यहाँ चुपचाप बैठे रहे। तुम क्या चाहते हो, सीएम के ऊपर जाकर पत्थर फेंके हम? पत्थर नहीं,
बातें। कौन सी बातें? वही जो आपने हम सबके सामने की थी। हम वहां पर मार्च करेंगे। उनकी सिक्योरिटी हमें उनके पास आने से रोकेगी, लेकिन हम नारे लगाएंगे और जब मीडिया हमारे पास आएगी तो आप उनके सामने वो बातें दोहराना। देखो भाई, फैसला मीडिया के हाथ में नहीं है, सीएम के हाथ में है। मीडिया हमारी आवाज लोगों तक पहुंचाएगी। अब चीफ मिनिस्टर पर प्रेशर डालने का और कोई तरीका नहीं है। तो ठीक है, कोशिश करके देख लेते हैं। कोशिश नहीं, तैयार होकर आना पड़ेगा मलिक भाई। ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा स्पीच होगा। आपके अलावा हमें से और कोई नहीं बोल पाएगा। राजबीर, एक बार मैं तुझसे अकेले में बात करना चाहूंगी। चल चलो। बात तो सही लग रही है। मैं खुश हूँ कि तू गांव की भलाई के लिए सब सोच रहा है, लेकिन अगर तू हमारी मदद करे और फिर दूसरी जगह जाके लोगों को लूटे, उससे अच्छा तू हमारी मदद ना कर। क्या बोल रही है तू ताई? मैं नहीं चाहती तू कल हमारे साथ हो जब हम चीफ मिनिस्टर के पास जाएं। अगर तुझे हमारी मदद करनी है तो तुझे मेरी एक शर्त मंजूर करनी होगी। हाँ बहन जी, कैसी हैं आप? काम की बात कीजिए अग्रवाल जी। वो धरने वाले अभी तक आलती पालती मार कर बैठे हैं वहाँ पर। अग्रवाल जी, आप अपना काम कीजिए, हमारी तरफ से दिवाली पर आपको जमीन मिल जाएगी। अपना आधा काम तो कर चुके हैं हम, बाकी का आधा भी दिवाली की मिठाई के साथ पहुँचा देंगे आपके पास। ठीक है, मैं कल मिलती हूँ आपको कंझावला में। कल मैं नहीं आऊँगा। आप पहले जमीन की पोजीशन ले लीजिए, मैं अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से किसी को भेज दूंगा। ठीक है। चीफ मिनिस्टर का लड़का वापस आ गया। उसने पुलिस को बोला कि उसके किडनैपर्स के मुंह ढके हुए थे, इसलिए वो किसी को पहचान नहीं पाया। लेकिन हमारी सीएम सिर्फ अपने लड़के के वापस आने से खुश नहीं है, उसको बदला भी चाहिए। और ये धरना भी हमें कल से पहले खत्म करना है। मेरे पास दोनों चीजों के लिए एक आइडिया है। वो क्या? मलिक। मलिक? हाँ मलिक, आज जाके उसको ठीक करके आओ। वो चलने लायक और घर से निकलने लायक ना रहे। चीफ मिनिस्टर को उसका बदला भी मिल जाएगा और मलिक के बिना ये धरना भी खत्म हो जाएगा। समझ गए? तेरे सपोर्ट से आज मैं कॉलेज यूनियन का प्रेसिडेंट बन गया हूँ। मेरी वजह से नहीं यार, तू डिजर्व करता है। और अगर सही आदमी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो पिछली बार की तरह गुंडे घुस जाते। हाँ, लेकिन मैं हैरान था कि हितू गुलाटी, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से दूर भागता है, उसने मुझे सपोर्ट किया। कभी कभी सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी लड़ना पड़ता है। अरे तो मलिक को भी 1,00,000 रुपए देकर छुट्टी में भेज देते हैं ना? फौजी ने कहा कि वो घर से निकलने लायक नहीं रहना चाहिए, और वो कराला गांव में नहीं रहता, यहीं रहता है। घर या गांव में ना हुआ तो उसको शक हो जाएगा। ओए डॉक्टर, तुझे तो थोड़ी बहुत डॉक्टरी मालूम है ना, साला मलिक की टांग पे प्लास्टर लगा देते हैं। नहीं अरे यार, कितनी बार बताया है, मेडिकल स्टोर चलाने से मैं डॉक्टर नहीं बन जाता। जी बाहर आ जा, गाड़ी में। फौजी बाहर हमारा वेट कर रहा है। तुम गए नहीं अभी तक मलिक के पास? जी बस निकल ही रहे थे। तो फिर चलो, आज मैं भी आता हूँ। बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ काम पर गए, मैं अपनी गाड़ी में फॉलो करता हूँ। देश की अर्थव्यवस्था, उसके उत्पादन से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। बाहर से आयात करेंगे, करोड़ों का नुकसान करेंगे, लेकिन अपने देश की उत्पत्ति। राजवीर भाई, अरे आ जाओ आ जाओ। देखो कल के भाषण के लिए मैंने कुछ नई चीजें ऐड करी हैं। अच्छा सुन के बताओ कैसी है, बताओ। देखो देश
मलिक भाई आपको बाद में समझाएंगे, फौजी बाहर वेट कर रहा है, आराम से मारेंगे, आप शोर ज्यादा मचाना। अरे पर मारना क्यों कर? इसको बोल आराम से मारे। शोर मचाओ मलिक भाई, शोर। ये कैसा था बता? फर्स्ट क्लास था, लेकिन ड्रामेबाजी ज्यादा मत करना। नकली नहीं लगना चाहिए मलिक भाई, पर कब तक चलेगा ये सब? मलिक जी कैसे हैं आप? इन लड़कों ने आपको ज्यादा तंग तो नहीं किया? जी नहीं, बस वो मैं। चलो अच्छा है, क्योंकि आप तो गांव की शान है, शान। बेचारे किसानों के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया, उन्हें जागृत किया, उन्हें उनके हक के बारे में समझाया। और अंबानी साहब, आप भी कुछ कहिए ना मलिक साहब के गुणों के बारे में। जी जी जी, ये बोलते बहुत अच्छा है, और इन्होंने अपने काम से छुट्टी लेकर पूरी तरह किसानों के लिए लड़ना शुरू कर दिया है। माने ना माने, एक हिसाब से किसानों के लीडर भी हैं। किसान सही कहा था तुमने अंबानी, एक किसानों का लीडर था, उनका सर था, लेकिन अब ये सर कट चुका है। मेरे होते हुए ये धरना नहीं होगा। उस कॉन्ट्रैक्ट के पैसे मुझे मिलेंगे। इस साल मैं एमएलए के लिए खड़ा होऊंगा और जीतूंगा, और मां कसम जो भी मेरे रास्ते में आएगा नहीं चाहती तू कल हमारे साथ हो जब हम चीफ मिनिस्टर के पास जाए। माफ कर हमें। मेरे होते हुए ये धरना नहीं होगा। फौजी ने कहा कि उसके होते हुए यह धरना नहीं होगा, और हमारे लिए जरूरी है कि यह धरना हो। अरे पर मतलब अब तो वो पैसे बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मेरा तो रेस्टोरेंट खुलने से पहले ही बंद पड़ गया। बंदूक नहीं। क्या? मैंने ताई को वादा किया था कि हम लोग दोबारा बंदूक नहीं उठाएंगे। अरे मगर वादा करने से पहले एक बार हमसे पूछ तो लेते। अभी तो मारेंगे कैसे, जूतों से? Thank you.
डॉक्टर तू मेरे साथ रहना, अंबानी और सेक्सी तुम एक दूसरे के साथ। इस कहानी को भी यहीं खत्म कर देते हैं। मैंने तुझे बेटा जैसा माना, तू क्या बन सकता था और तूने क्या चुन लिया? हम सब अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। किसान अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा। यह गांव, यह देश बदल रहा है। या तो हम भी उसके साथ बदल सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं, या फिर बर्बाद हो सकते हैं। खैर, अब तो तुझे समझाने का वक्त भी नहीं रहा। डॉक्टर, गन उठा, राजवीर भाई नहीं उठाएंगे। Thank you.
बहुत देर हो चुकी है राजवीर। कल रात में तुझे समझ गया था, इसलिए आज नरेंद्र पहलवानों के आदमियों को काम पर लगा दिया धरना तोड़वाने के लिए। माफ करना पापा। आपने तो कहा था आप बंदूक ही उठाओगे। ताई को मत बताना। हमारे मलिक भाई को मार दिया, अब क्या करेंगे हम? अरे करुणा क्या ताई, बस आराम से बैठो। क्यों ताऊ, अरे हुक्का यही मगाए देते हैं, ना कहीं जान की जरूरत ना कहीं आन की जरूरत, बस आराम ही आराम है। गांव वालों को भी अपने गैंग में शामिल कर लेते हैं। अब हमारे पास कुछ बचा नहीं। राजवीर भाई, अब आपको ही कुछ बोलना पड़ेगा। कुछ बचा नहीं तो कुछ खो नहीं सकते। क्या? हाँ, जब कुछ खो ही नहीं सकते तो डर किस बात का। वेरी गुड वेरी गुड, अब कुछ नारे भी लगाओ। जागो। अरे भाई हम तो कब से जगे हुए हैं। आजादी, हम होंगे कामयाब। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। लड़ेंगे, जीतेंगे, जमीन हमारी आपकी, किसी के पास नहीं, किसान एकता, इंकलाब, 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 जिस चीज को इंसाफ चाहिए उठो और मेरे साथ चलो। We'll be right back.
चार्ज करके इनको यहाँ से बाहर निकालिए। मगर मैडम, मगर वगर कुछ नहीं, इन्होंने मार्च के लिए परमिशन नहीं ली है। इन पर लाठी चार्ज कीजिए। अब हमें इनकी जरूरत नहीं है चीफ मिनिस्टर जी, आप ही रखिए इन्हें। देखिए मैडम, परमिशन ली हो या ना ली हो, मगर इन्होंने वायलेंस भी नहीं किया और नॉन वायलेंट मार्च पर मैं लाठी चार्ज का ऑर्डर नहीं दे सकता। मैम, हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए। जमीन का कब्जा। हाँ जी, तो बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं। जब गेहूं की जरूरत होती है तो ये जमीन किसानों की होती है, और जब फैक्ट्री की जरूरत होती है तो ये जमीन पब्लिक पर्पस के लिए हो जाती है। आपके हिसाब से लैंड एक्विजिशन एक्ट में क्या तब्दीली होनी चाहिए? हमारी जमीन, हमारा जमीन, जय जवान, हमारी जमीन, हमारा जमीन, हमारी जमीन, हमारा जमीन, जय जवान, जय जवान। सीएम का बेटा है तू। हमारी जमीन, हमारा जमीन, हमारी जमीन, हमारा जमीन, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान। आपके प्रश्नों का सही जवाब देने वाला आ गया। अगर आज के युवक अपनी देश की समस्याओं के बारे में कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, लैंड रिफॉर्म्स में कई सारी गलतियां हैं और लैंड एक्विजिशन से पहले उनको सुधारना बहुत जरूरी है। पर सरकार तो इस गांव का डेवलपमेंट कर रही है। खाली डेवलपमेंट के नाम पर सरकार को किसानों से उनकी जमीन जबरदस्ती नहीं छीन लेनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर को गए हुए 6 घंटे हो चुके हैं, लेकिन यहाँ अब तक कंझावला गांव के कुछ निवासी और छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं। इनमें चीफ मिनिस्टर का बेटा हितू गुलाटी भी शामिल है। तब से इन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया है। मैम, आप बताइए, आप लोग ये धरना कब तक जारी रखेंगे? हम ना उठेंगे, जमीन हमारी है, हमें सरकार का पैसा ना चाहिए। हाँ जी, तो अभी आपने सुना कि कंचावला गांव के निवासी यहाँ डट कर बैठने के लिए तैयार हैं और हंसराज कॉलेज के छात्र भी इनका साथ दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जया गुलाटी ने अपना इस्तीफा दे दिया है और रिजाइन करने से पहले उन्होंने ये जमीन डी नोटिफाई कर दी है। इसका मतलब ये है कि ये जमीन अब वापस गांव वालों के हाथों में ही जाएगी। जी हाँ। कि ये जमीन अब वापस गांव वालों के हाथों में ही जाएगी। Yeah!
लगता है जाते जाते नरेंद्र पहलवान हमारे लिए दिवाली का तोहफा छोड़ गया। उस रात गांव की दिवाली कुछ अलग ही थी। और हितू के लिए पूरा साल ही दिवाली था। नेहा का फोटोग्राफर बनने का सपना पूरा हुआ और जिस गैलरी में वो काम करती थी उसी में उसका पहला एग्जीबिशन भी हुआ। अंबानी का रेस्टोरेंट भी खुला लेकिन जितना वो चाहता था उससे थोड़ा सा छोटा। और सेक्सी को भी उसका तंदुरुस्त जीवन साथी मिल गया। मेरी जिंदगी वापस मेडिकल स्टोर और बीवी बच्चों के पास चली गई। राजवीर अपनी जमीन तो वापस नहीं खरीद पाया लेकिन उसने ताई की जमीन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। हमारे धंधे तो बदल गए लेकिन बंदे नहीं बदले।